हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल घर से पाठशाला में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जो आईबीपीएस क्लर्क की जो वैकेंसी आई है उसको कैसे आप अपने खुद से फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इसकी साइट है वो IBPS.in पे जाना है आपको। इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा। वहाँ पर आप डायरेक्टली आप जो फिलिंग पेज है IBPS फॉर्म का वो आपको दिख जाएगा। तो आपने इस साइट पर चले जाना है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट जा रहे हैं तो यहाँ पे साइट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा CRP क्लरिकल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कैरिडल, यहाँ पे क्लिक कर देना है फर्स्ट नंबर पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द ऑनलाइन कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो आ जाएगी। तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो एप्लीकेशंस हैं वो 7/10/2021 से स्टार्ट हुई हैं, आज से स्टार्ट हो रही हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27/10/2021। 27/10 से पहले पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट तक आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट में कई बार जो इसका जो सर्वर है वो बिजी हो जाता है, तो इसमें दिक्कत आ जाती है फॉर्म फिल करने में। और जिसकी ऑनलाइन पेमेंट फीस है वो आप 10/7/10 से 27/10 तक आप कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट फॉर द प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन है वो 27/10 तक आप इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है। इसको बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको सब कैपिटल फॉर्म में डालना है, कैपिटल नंबर्स में, अल्फाबेट में आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। और याद रखें, यहाँ पे जो भी डिटेल्स भरेंगे आप, उसका जो भी 10वीं की DMC, आपकी 10वीं की सेकेंडरी मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब डाटा फिल करना है। कोई भी अलग से अगर वहाँ पे कास्ट सरनेम दिया गया है तो सरनेम यहाँ पे फिल करना है, नहीं दिया गया तो नहीं भरना है। तो आपने सेम डिट्टो जो 10वीं की DMC में दिया गया है डाटा वही फिल करना है। लाइक मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वही डाटा सेम फिल कर देना है। तो यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम मांगेगा, तो यहाँ पे कंफर्म, सॉरी, यहाँ पे लास्ट सर नेम नहीं भरना है, ओनली फर्स्ट नेम भरना है यहाँ पे। और यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम मांगेगा तो यहाँ पे दोबारा से वही सेम भर देना है। और लास्ट में अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप भर देना, अगर नहीं है तो लास्ट में अपना जो सर नेम है वो डाल देना है। और यहाँ पे कंफर्म में दोबारा से एक बार फिर से वही सरनेम डाल देना, और यहाँ पे आपको फुल नेम अपना शो करने लगेगा ऑटोमेटिकली। अगर सही है तो ठीक है। और ये नीचे आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। लाइक मैं वैसे ही डालूँगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म कर देना अपना मोबाइल नंबर, और नीचे आना है, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको भरना है। यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर दूसरा कोई मोबाइल नंबर आपके पास, या आपके ब्रदर, फादर, मदर, किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दोबारा से एक्स्ट्रा अल्टरनेट में आप भर सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करनी है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है। तो मैं यहाँ पे एक बार वैसे ही भर रहा हूँ, घर से पाठशाला। और यहाँ पे आपको डोमेन नंबर, डोमेन नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, लाइक जीमेल, हॉटमेल, याहू, कोई भी आपका जो जीमेल, जिस पर भी आपके ईमेल आईडी बनी हुई है तो वहाँ पे आप किसको सेलेक्ट कर लेना। लाइक मेरी जीमेल पे बनी हुई है तो मैं gmail.com यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे कन्फर्म में आपको फुल जीमेल आईडी विद जीमेल @gmail.com के साथ यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे फुल भरना है, यहाँ पे gmail.com, ठीक है। यहाँ पे बनने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड मांगेगा। सिक्योरिटी कोड कौन सा होता है, यहाँ पे साइड में आपको जहाँ पे दिया गया है जो कैप्चा में, वही आपको यहाँ पे फिल करना है। लाइक यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में दिया गया है तो स्मॉल लेटर्स में आपको भर देना है। यहाँ पे ये फिल करने के बाद एक बार देख लेना आपका जो नाम वगैरह सब सही है ना, आपने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, अगर नहीं है तो ठीक है। यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके सामने होगा, इसकी आप फोटो भी ले सकते हैं, और आपके मोबाइल और जीमेल में भी ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है आपको चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे आपको फोटोज और सिग्नेचर डालना है। तो फोटो और सिग्नेचर का क्या गाइडलाइंस है वो आप यहाँ पे पहले रीड कर लें। यहाँ पे आपको बताया गया जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो है, वो आपकी 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, इसको जो साइज है, इमेज का साइज है, आपको 20 KB से 50 KB के बीच में ही रखना है। और जो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसका साइज भी आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जो सिग्नेचर है उसका साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। और जो आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो आपका इमेज है वो आपकी 20 KB से लेके 50 KB के बीच में रहनी चाहिए। और डिक्लेरेशन आपकी 50 KB से 100 KB के बीच में रहनी चाहिए।
और आपको याद रखना है जो इनका फॉर्मेट है वो जेपीजी की फॉर्मेट में ही आपको रखना है, इमेज फॉर्मेट में ही आपको इसको अपलोड करना है। और आप अगर आपका जो इमेज है फोटो है वो इसका साइज बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लाइक इसका जो जैसे यहाँ पे साइज आपको मांगा गया है 20 KB से 50 KB, और आपका जो 1, 2 MB, 3 MB, 4 MB है, तो आप इसके कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। आपने सिंपल यहाँ पे रिड्यूस इमेज साइज यहाँ पे क्लिक कर देना है, रिड्यूस इमेज साइज ऑनलाइन। यहाँ पे गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आ रहा है रिड्यूस इमेज साइज डॉट कॉम, यहाँ पे डॉट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाकर आपको यहाँ पे जो है साइज को रिड्यूस कर लेना है। यहाँ पे क्या आ रहा है ड्रॉप योर इमेज हेयर, यहाँ पे ड्रॉप योर इमेज हेयर, तो आपको यहाँ पे अपना जो इमेज है वो यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। जैसे लाइक सेलेक्ट कर लेना अपने ईमेल, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद वो नीचे आपसे जो परसेंटेज है वो देगा, और आपको वहाँ पे परसेंटेज कम कर देना थोड़ा सा, उससे कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपकी जो इमेज की केबीज है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ से रिड्यूस करके साइड में जाकर रिड्यूस कर लेना साइज़ को, और रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। लाइक मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे इमेज यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो फॉर्मेट है जो नेम है इसका रीनेम करना पड़ेगा। ये मैं डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, तो अपनी यहाँ पे आपको आपकी खुद की फोटो यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है, साइन यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। साइज आपको पता चल गया साइज कैसे रिड्यूस करना है, साइज रिड्यूस करने के बाद आपको एक फाइल में अपने पास रख लेना है पहले से साइज रिड्यूस करके, और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है यहाँ पे जाके। और यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ फॉर्म निकल जाएगा। फॉर्म निकलने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी फर्स्ट में कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, आप जनरल से बिलोंग करते हैं, इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, एससी और ओएससी। याद रखें अगर आप इनमें से सेलेक्ट करते हो तो आपको इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप दूसरे नंबर पे आपके सेकंड नंबर पे आपसे मांगा गया है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आप अगर हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर है तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा, और सब टाइप ऑफ यहाँ पे सब डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। अगर नो कर रहे हो तो आपको कोई डिटेल्स यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे नीचे आना आपको, यहाँ पे आपको मेनली वही ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, जहाँ पे ये रेड क्रॉस साइन लगा हुआ है, रेड क्रॉस लगा हुआ है ना, रेड रेड कलर का निशान बना हुआ है, तो इसी स्टार का स्टार लगा हुआ वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आर यू चाइल्ड एंड फैमिली मेंबर ऑफ दस हु डाइड इन 1984 राइट्स, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर देना है यहाँ पे आपको। और रिलीजन टू विच यू बिलोंग, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और रिलीजियस मिनोरिटी से आप बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो येस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। और यहाँ पे आर यू एन एक्स सर्विस मैन, अगर आप सर्विस मैन हैं तो येस करेंगे, येस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी है, ठीक है। डेट ऑफ रिलीफ फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज, और यहाँ पे सब डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना सिंपली। और नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन, येस और नो, नो कर देना है। यहाँ पे अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो कर देंगे। और नीचे आएंगे और इसमें जो आगे बताया गया आर यू डिपेंडेंट सर्विस ऑफ सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन, अगर आप डिपेंडेंट हैं और इस कैटेगरी में आते हैं देन यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। आपको सिंपली इन चेक करना है, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो येस करें, नहीं तो सिंपली नो करके प्रोसीड करें, ठीक है। और नीचे आना है आपको, यहाँ पे हैव यू अपीयर फॉर द क्लरिकल कैटेगरी, अगर आपने कलर का पेपर आईपीएस कलर का पेपर पहले कभी दिया है तो येस करेंगे। अगर आप यहाँ से येस करते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा पेपर आपने दिया है। वैसे आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं याद कि आपने पेपर दिया है या आपको नहीं पता कौन सा पेपर दिया है, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू कि आपको यहाँ पे क्लिक करना ही करना है। अगर आपको नहीं याद है तो आप नो पे भी सिंपली क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको याद है तो डिटेल्स दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, अपनी नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से स्टेट से आप इसकी वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं आईबीपीएस क्लर्क को, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है स्टेट।
ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोड अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, स्टेट कोड अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको प्रिलिमरी का एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, कौन से एग्जाम सेंटर में आप प्रिलिम्स का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको वही हरियाणा के, हरियाणा सेलेक्ट किया है मैंने, तो हरियाणा से ही आपको दिखाएगा कौन कौन से सेंटर्स हैं, तो वहीं से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको लिखा गया है आई इंटेंडेड टू ब्रिंग द फ्लोविंग आईडी पेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको बताना है भी कौन सी आईडी आप वहाँ पे दिखाओगे जब आप एग्जाम दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना आईडी प्रूफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पे वोटर आई कार्ड, कोई भी आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेना है कौन से आप आईडी प्रूफ वहाँ पे लेके जाने वाले हो अपने साथ में, ठीक है। यहाँ पे मेनली मैं आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपने अपने आपसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कौन सा आप यहाँ पे लेके जाने वाले हो, ठीक है। आईडी प्रूफ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ का नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भरना है, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे फिल करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको पूछा गया डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आपके ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो येस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना, अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी उनकी अगर है तो, ठीक है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे फादर नेम आपको फिल कर देना है, फादर नेम आपको यहाँ पे कैपिटल में यहाँ पे फिल कर देना है, और यहाँ पे मदर्स नेम आपको फिल कर देना है, मदर नेम यहाँ पे भरेंगे, अगर स्पाउस आप सेलेक्ट कर रहे हैं मैरिड है तो स्पाउस नेम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एड्रेस यहाँ पे आपको भर देना है, एड्रेस अपना जो भी आधार कार्ड में है वो भी आप यहाँ पे डिटेल में भर सकते हैं, आधार कार्ड वाला एड्रेस भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट सेलेक्ट कर लेना अपने कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे पिन कोड आपको भर देना है, कौन से एरिया का आप रह रहे हैं तो उसका पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और यहाँ पे सेम एज एड्रेस क्रॉस पर एड्रेस एड्रेस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे फीस आपको बता रहा है, ठीक है, 850 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी है, और 175 पे फीस है नॉर्मल कैटेगरी, दूसरी एस सी एस टी और पी डबल जू डी, इन कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 175 पे आपको एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है, अगर आपको यहाँ पे कोई एरर शो कर रहा है तो आपने सिंपली ऊपर जाके एक बार चेक कर लेना है कौन सी जगह पे आपकी जो एरर है वो शो करेगा, वहाँ पे रेड हो जाएगा अगर आपको कहीं एरर है तो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ एक पॉइंट रह गया था, आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर द विडो डिवोर्स वुमेन और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड और हु आर नॉट रीमैरिड, ठीक है। यहाँ पर अगर आप येस हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। एक कैटेगरी चेक कर लेना, आपको ऊपर चेक कर लेना कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, नो ये बस यही थी, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे ईयर आपका जो है वो यहाँ पे दोबारा से फिल करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे ईयर आपका दोबारा से फिल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको वैलिडेट ईयर इन्फॉर्म यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना, ओके करने के बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है, यहाँ पे आपको डिग्री सेलेक्ट करनी है कौन सी डिग्री से आप बिलोंग करते हैं, तो कौन सी डिग्री आप मतलब ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री थी आपकी, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे मेन स्ट्रीम में आपको सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे देना है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स देने के यहाँ पे ग्रेड स्लैब आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ग्रेड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आपके मांगा है डू यू हैव ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज इन द कंप्यूटर सिस्टम, तो अगर है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, अगर येस है तो डिटेल्स आपको मांगेगा कौन कैसे आपको सर्टिफिकेट है, आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, या फिर आपके पास स्टूडेंट इन हाई स्कूल में अगर कॉलेज इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ा है तो वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टडीड इन हाई स्कूल और एज ए सब्जेक्ट लिखा है, तो अगर आपके पास हाई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट था तो आप वहाँ से भी ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट है आपके पास कंप्यूटर का तो वहाँ से भी आप इसको सर्टिफिकेट पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर अगर आपके पास कोई वर्किंग आपने कोई एम्प्लॉई है किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वर्किंग है तो वहाँ पे जो जॉब एक्सपीरियंस है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और नीचे आना है आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फॉर द सेफ्टी एंड वेलबींग कैंडिडेट्स प्री एग्जाम ट्रेनिंग में नोट बी हेल्ड और इट में इन केस इट इज पॉसिबल टू होल्ड द प्री एग्जाम ट्रेनिंग
आर यू डिजायर, मतलब कहने का मतलब अगर प्री एग्जाम की ट्रेनिंग होती है तो आप वो लेना चाहेंगे। ये एक्चुअली एससी और एसटी और कैटेगरी के लिए है, तो अगर आप एससी एसटी के लिए बिलोंग्स करते हैं, जरूरी नहीं है, आप लेना भी चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते, नो यहाँ नो पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पे पूछेगा वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, अगर आपके पास कोई भी फाइन लगा हुआ है, आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई हुई है ला इन ला कोर्ट ऑफ लॉ, देन यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे आपको मांगा गया है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिख देनी है। आप लैंग्वेज यहाँ पे 3 लैंग्वेज लिख सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप तीनों ही फिल करनी है, एक फिल कर देंगे बहुत है, आपको इसके बेसिस कोई इसका कोई आपके रिक्रूटमेंट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे ओके करेंगे और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंकिंग आपको आपसे प्रेफरेंस मांगेगा, तो आपने अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, मैं तो ऐसे आपको एक बार फिल करके बता रहा हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रेफरेंस देनी है, ये प्रेफरेंस आपको जब आपकी जो फाइनल पोस्टिंग होगी तो आप इनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको बैंक को सेलेक्ट किया आपको बैंक दिया जाएगा, तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक बार वैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है अपने बैंक की, और बैंक की सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट योर इन्फॉर्मेशन और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, और आपको यहाँ पे कंफर्म फोटो पे कंफर्म कर देना, और आपको डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है, आपके डिटेल्स में कोई मिस्टेक तो नहीं की है, तो चेक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री आई एग्री पे क्लिक कर देना, ठीक है। आई कन्फर्म दैट माई फेलर इन मे इन एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द माई आई डी, यहाँ पे भी क्लिक कर देना, आपका जो नाम आपने यहाँ पे फिल किया है वो आपके आई डी प्रूफ से मैच करता है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस है इन नाम में, कोई चेंजेस है आई डी प्रूफ के अलग से है, कोई आई डी प्रूफ में जो नाम है उससे अलग से आपका यहाँ पे नाम है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपल छोड़ देंगे, आपको दो पे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है सिग्नेचर पे, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, ओके करेंगे यहाँ पे। ओके करने के बाद आपको ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपको मैंने लेफ्ट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए जो साइज चाहिए वो भी आपको मैं बता देता हूँ, अगर दोबारा से देखना चाहिए तो यहाँ पे आपको दिया गया गाइडलाइंस, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो गाइडलाइंस है वो आपको बताई गई है 20 KB से 50 KB के बीच में, और आपको क्या करना है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन व्हाइट पेपर पे विद ब्लैक और ब्लू, आप ब्लैक और ब्लू कोई भी इंक से आप इसको ले सकते हैं, और थंब इम्प्रेशन लेने के बाद इसको जो साइज है आपको मैं बता दी कैसे रिड्यूस करना है, तो 20 KB से 50 KB के बीच में कर लेना, और आपको डिक्लेरेशन है वो व्हाइट पेपर पे विद ब्लैक पेन से आपको जो डिक्लेरेशन है वो लिख कर उसको जो स्कैन करके आपको 50 KB के 100 KB के बीच में कर लेना है, और यहाँ पे आपको इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। लेफ्ट थंब आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और यहाँ पे अपलोड करने के बाद इसको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद तो यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन पे भी आपको यहाँ पे लिखी हुई डिक्लेरेशन आपको मैं इसका जो क्या लिखना है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे देख के आपको इसको फिल कर देना है, और नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में जाओगे आप वहाँ पे आपको लिखा आएगा कि कौन सी सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख के जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप मेरा नाम लिखा हुआ है, आपने अपना नाम डालना है यहाँ पे, तो ओके कर देना है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है वहाँ साइड में आपको ये कैप्चा दिया गया है वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपको फिल करने के बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड दोबारा से मांगेगा, तो आपने यहाँ पे दोबारा से सिक्योरिटी कोड भर देना है, सिक्योरिटी कोड आपके राइट में यहाँ पे दिया गया है, तो सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा, तो आपको वहाँ पे आके पेमेंट कर देनी है, आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आपको इसकी पेमेंट कर देनी है, आपको कोई भी वैलेट वगैरह से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वैलेट से करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो अटकने के चांसेस है, कई बार ऐसा होता है पेमेंट कट हो जाती है लेकिन जो प्रोसेस नहीं हो पाती है, तो आपको नेट बैंकिंग को ही प्रेफर करना है और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को ही प्रेफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करके इसको फॉर्म को फिल कर देना, और इसका जो प्रिंट आउट है अपने पास रख लेना है, ऐसे आप अपना जो फॉर्म है फिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।